सर बड़ा हंगामा है यहाँ पे। एक तरफ जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो है उनकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं, जो कि सब पहले ही कहते थे इमरान खान साहब के लिए कि जहांगीर तरीन खान जो है उनको के जी उनके एटीएम है, इसके अलावा भी दो तीन एटीएम्स कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस न्यूज की तरफ ही चलते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? उसके अलावा सर मिनी बजट लेकर आ रहे हैं खान साहब, और लोगों का देखिए और हाल खराब होगा। जी आरजू, मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तानी बेचारी कौम है वो इम्यून हो चुकी है वीडियो कैसेट्स, वीडियो ऑडियो खबरों पे, क्योंकि उनका उनके बेचारे इकॉनमी, उनके हालात महंगाई से इतने वो बेचारे पिस चुके हैं, उनकी सोचने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल में वो एक ऐसे मोड में जा रहे हैं कि उनको छोटी मोटी खबरें इस वक्त जो है वो बाईपास कर जाती हैं। खान साहब के बनी घाला के खर्चे तो जाहिर है सारी दुनिया को पता था कि जहांगीर तरीन साहब उनके एटीएम मशीन है, और उनकी एटीएम मशीन कई नहीं है, कई लंदन में है, कई पाकिस्तान में है, बल्कि खान साहब का सारा जो ये मूवमेंट थी वो चली चंदे मांगने से थी, वो क्योंकि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए वो चंदे मांगते थे। और इस वक्त आपकी कैबिनेट में जो सारा सबसे ज्यादा लोग वही है जिनकी सिर्फ एक सलाहियत है कि वो चंदे मांगने में बहुत अच्छे थे। आप देख लें इंग्लैंड से जितने अच्छा चंदा मांगा वो भी कैबिनेट में, जो अमेरिका से जिसने अच्छा चंदा इकट्ठा किया वो भी कैबिनेट में। तो अब उनकी पर्सनल सलाहियत तो है नहीं है, बस इसी तरह ये मांगे तांगे से चल रही है इस वक्त गवर्नमेंट। जो बजट के बारे में जो मैं आप बल्कि उससे भी ज्यादा सेंसिटिव बात जो इस वक्त है, इसमें मेरे जो तहफुजात हैं आरजू वो ये है, ये मिनी बजट नहीं है। बजट तो आपके हर हफ्ते आता है, जब भी आप बिजली महंगी करते हैं तो उस वक्त उसका किस पे आपके बजट पे असर होता है। जब भी आप पेट्रोल महंगा करते हैं वो आपका बजट है, वो जब आप गैस महंगी करते हैं वो भी आपका बजट है। देखिए ना, मैन्युफैक्चरिंग किससे होती है या बिजली से होती है, ट्रांसपोर्टेशन किस पे चलती है, एक चीज मैन्युफैक्चर होकर कंज्यूमर के पास किस तरह आती है, साइकिल पे तो नहीं आती ना, वो तो जाहिर ट्रेवल करके आएगी। तो ये एक इस वक्त गोरख धंधा बन चुका है मिनी बजट, और बिलखसूस आपके कंट्री में मिनी बजट और बजट और मिनी बजट बनाने वालों की अपनी तनख्वाहें सारी डॉलर में है, उनकी रुपयों में तनख्वाहें नहीं है। अब इस बजट के बारे में बात करना मैं चाहूंगा, 600 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा आईएमएफ के लिए करना है। ये वही आईएमएफ है जहां अगले दिन आपने उनकी इन्विटेशन पे आप नहीं पहुंचे, आपने समिट रिफ्यूज की। ये वही आईएमएफ है जहां इस वक्त गीता गोपीनाथ जो है वो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी है आईएमएफ की। ये वही आईएमएफ है, वॉशिंगटन डीसी में इसका ऑफिस। मैं आपको इतना ये देना चाहता हूं, आप जो इस वक्त कम्युनिज्म की तरफ ट्रेवल कर चुके हैं, आप जा चुके हैं चाइना के साथ, आप बिल्कुल खड़े हो चुके हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा आपको विड्रॉ करना चाहिए आईएमएफ पैकेज अपना। उसकी वजह ये है कि यू हैव सेंट द सिग्नल टू द वर्ल्ड कि आप यू आर नॉट अलाइंड विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यू आर अलाइनिंग विद चाइना। आप उनके साथ जाना चाहते हैं, आप उनके पास। मैं यहां पे आरजू एक मैं क्योंकि आम एन अमेरिकन पाकिस्तानी, मुझे 2016 में एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने एक बात कही थी, उसने कहा था अपने पाकिस्तानी दोस्तों को समझाने की कोशिश करो, अमेरिका जब भी देता है एड देता है, ग्रांट देता है, चाइना जब भी देता है कर्जा देता है, और ऐसी टर्म्स पे देता है जो आप अपनी आवाम को नहीं बता सकते, और आप नहीं बताते आज तक भी, जो भी आपने जो कुछ कर रहे हैं। आपकी दूसरी एटीएम, आपकी नेशनल एटीएम इस वक्त आपकी सी पैक है, सी पैक का एहतसाब जब तक आप नहीं करेंगे आप, मेरा मकसद ये बड़ा नुकसानदेह होगा। और दूसरा मैं इसी बजट के हवाले से बात करना चाहूंगा, खान साहब ने इसी बजट के हवाले से अपने स्पीच में अगले दिन फरमाया कि मैं टैक्स कलेक्शन को ठीक करूंगा। टैक्स खान साहब, टैक्स लोग तब देते हैं जब उन्हें ये एतमाद हो कि हमारे टैक्स का जो इसका सही इस्तेमाल होगा। जब आप लेकिन सर आम आदमी का टैक्स तो वैसे ही कट जाता है, ये तो जो बड़े बड़े लोग हैं जो खान साहब के साथ, उनका टैक्स की बात ये उनका जी। दूसरा सारे माफिया तो आपके टेबल पर बैठे हैं, उनसे आप टैक्स लेने की सलाहियत रखते ही नहीं है। जब आप उनके करप्शन को नहीं रोक सकते तो टैक्स उनसे किस तरह लेंगे आप? ये तो एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है जो खान साहब ने ऐसे लोगों को बता दी। खान साहब ने अगले दिन पिशावर में जाके कह दिया कि मैं हर एक से बात कर लूंगा, करप्ट लोगों से बात नहीं करूंगा। तो फिर अपनी कैबिनेट से क्यों बात करते हैं आप? आपकी सारी कैबिनेट तो करप्ट है। 40 अरब रुपया जो आपने आपके आपके कोविड फंड में से चोरी हुआ है, डीडब्ल्यू वालों ने उस पर बड़ी मुफसल किस्म की अगले दिन उस पर रिपोर्ट दी है। आपके किसी मिनिस्टर ने उसके जवाब दिए? बायोमेट्रिक के जरिए जिस तरीके से डीडब्ल्यू वालों की रिपोर्ट के हिसाब से
जो पैसा चोरी हुआ यूटिलिटी स्टोर्स वालों ने, 40 अरब रुपया को मामूली रकम नहीं होती। लेकिन आप दूसरे को भाषण देते हैं कि आप रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें, लेकिन वो अपने आपके पास उसका अपने आप को एनआरओ दे दिया, आपने आप उससे मुबर्रा है उन चीजों से। तो टैक्स तब लोग देते हैं जब शफाफियत सामने नजर आ रही हो, वरना लोग टैक्स नहीं देते जिनकी बात आप कर रहे हैं, और वो पावरफुल लोग हैं। खान साहब आपने कई दफा कहा है कि माफियाज आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन वो किसने करनी थी? आप, मैं भी विक्टिम हूं उस चीज का, मैंने भी तब्दीली का ख्वाब देखा था, मैं गारंटी करता हूं आरजू आपने भी देखा होगा तब्दीली का ख्वाब, आप भी चाहती होंगे पाकिस्तान तरक्की करे, आप भी चाहते होंगे कि आरफ अलवी साहब जवाब दें, जो अगले दिन उन्होंने गवर्नर हाउस में अपने बच्चे की प्रमोशन की है, वहां पे प्रमोट किया है उसका बिजनेस, ये आपकी भी ख्वाहिश होगी, मेरी भी ख्वाहिश है कि ये लोग जवाब दें हमें, ये रियासत मदीना के सारे ठेकेदार मिस्त्री कटे हैं, लेकिन ये अपने अपने खुद जवाब क्यों नहीं देते चीजों? और लेकिन सर चाइना के आगे कैसे निकलेंगे? ये चाइना के साथ तो इन्होंने आपको पता है मोटरवेज भी दी हुई है, बिल्डिंग तक गिर हुई है, सब कुछ एयरपोर्ट्स उनके पास है, उनसे कैसे निकल सकते हैं? वो नहीं निकल सकते। देख जिस तरीके से आपने बड़ी खूबसूरती के साथ ग्वादर के बाद आपने प्लेट में रख के कराची दे दिया, किसी असेंबली से आपने पूछने की कोशिश नहीं की, कोई पब्लिक कंसेंसस आपने लेने की कोशिश नहीं की उस पे, आपने कितनी खूबसूरती के साथ अब किस तरीके से पाकिस्तान को भेजते हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर इस्लामाबाद में आपको मकान दिखाता है, आजकल एक दो और इजिप्शियन भी आके आपकी मार्केट को चेक कर रहा है, इज अ वेरी वेल्थी पर्सन, वो भी उसको भी आप प्रॉपर्टियां दिखा रहे हैं, आप कभी उसको मोबाइल लिंक दिखाते हैं, कभी आप उसको कुछ दिखाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो आजकल करप्शन जो हालात चल रहे हैं, ये पाकिस्तान विल पे फॉर दिस फॉर ईयर्स, अगली जनरेशन फॉर ईयर्स। और इसमें जो इस वक्त अब मेरी नजर में जो मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है आरजू, वो ये है कि इस वक्त आपकी 15,000 से 20,000 जो रूलिंग एलीट है आपके बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, वो उनका पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी इनकम भी डॉलर्स में है, उनके बच्चे भी बाहर हैं, उनकी प्रॉपर्टियां भी बाहर हैं, उनकी बीवियां उनके बच्चे डुअल सिटीजन हैं, उनकी जेब में वन वे टिकट होता है, तो वो पाकिस्तान के बारे में फैसले क्यों करेंगे? आप मुझे ये बताएं, आपका इस वक्त जितना फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले सारे IMF के मुलाजिम है, IMF के, वो सिर्फ IMF की वजह से 600 अरब का आपको मिनी बजट दे रहे हैं, तनख्वाहें उनकी डॉलर में है, वो क्यों सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? ये एक ओपन क्वेश्चन है, अब किस तरह बेवकूफ बनाएंगे लोगों को? लेकिन सर फिर कौन आपको अगला कौन नजर आता है अगर अगर इनको हटा दिया जाए, कौन है नेक्स्ट? मेरे लिए खुद परेशानी का बायस है, अब होगा क्या आगे मैं बताना चाहता हूँ आपको। यही लोग जो इस वक्त आपकी कैबिनेट और असेंबलियों में बैठे हैं, ये अपनी पार्टियों में वापस जाएंगे, यही दोबारा इलेक्ट होके वापस आएंगे, फिर करप्शन करेंगे, फिर जलील करेंगे, ये बिल्कुल ये एक प्रोसेस है। अगर आप 73 years, मैं आपको अगर एक एक MNA की स्टोरी पढ़ के बताऊं, तो चंद लोग होंगे जो इस वक्त खान साहब ने टिकट दे के जिनको अपने PTI के साथ जितवाया, वरना सारे तो वही चेहरे हैं जो सदियों से बैठे हैं, इनके बाप भी पहले बैठे थे, वो भी बैठे हुए हैं, इन सबके अकाउंट लंदन में है, न्यूयॉर्क में, बच्चे यहां बैठे हैं, आप मार रहे हैं पाकिस्तान को इस बुरे तरीके से मारते हैं वो, क्योंकि सबके इंटरेस्ट बाहर है। मुझे खुद इस वक्त बिल्कुल कहते ना कि रिलीफ इन साइट, मुझे बिल्कुल कोई प्रेडिक्शन नहीं मैं कर पा रहा कि आपका हल क्या है, आपके फेयर इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आपके आगे MNA कौन आएंगे, डिसीजन मेकर कौन होंगे, हाइब्रिड डेमोक्रेसी होगी या रियल डेमोक्रेसी होगी, आप किस साइड किस डायरेक्शन पे जाएंगे? मेरे मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं, 2 दफा लॉ स्कूल में गया हूं, इस वक्त सिटिंग इन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड Washington DC में बैठ के मुझे आपकी जमहूरियत आपके फ्यूचर के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता इन रेफरेंस टू पिछले 73 साल। एक बात है, अगले दिन में मैं आपको दुआ आपके प्रोग्राम में भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको कोई पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर दे जिसकी जिंदगी मौत पाकिस्तान में हो, जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहें, जिसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में हो, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अभी लग यही रहा है कि आगे कुछ फ्यूचर इनको नजर नहीं आ रहा। सर जो TLP है उसके साथ भी इन्होंने हाथ मिला लिया, और अब उनको भी नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब से वो खड़ा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने शुरू कर दी है अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो साद रिजवी ने शुरू कर दी है। तो इस तरह के लोगों को अगर ये आगे लाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन सर साथ साथ हम बलूचिस्तान को अगर देखें, गवादर में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत लोग बाहर निकल आए हैं, और उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्यों वो परेशान है जॉब्स के लिए और सब चीजों के लिए गवादर के लोग? आरजू उसके अंदर उनके 5 मुतालबात हैं, उनके सबसे पहला मुतालबा ये था
ये जो चाइनीज ट्रेलर उनके एरिया में आके अंदर फिशिंग करते हैं और उनको बाकायदा आपने लाइसेंस दिए हैं, मैं गारंटी कर देता हूं वो भी आपका, आप जिस बंदे ने वो डिसीजन लिया होगा या उसने पैसे लिए या उसका वो इंटरेस्ट होगा उसके पीछे, कोई पाकिस्तानी ये डिसीजन नहीं कर सकता कि अपने गरीब माहीगीर जो है उनके अगेंस्ट आप चाइनीज ट्रेलरों को इजाजत दे दें, अपने पाकिस्तानियों को बैकस्टैबिंग करें। वो मैं जिस तरह आप गर्ज करता हूं आपके हर फैसले के पीछे, मुझे आप ग्वादर के हवाले से आपने याद करा दिया, सी पैक आपको पता है ये नैब से मुबर्रा है, ये नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। देखिए आप जब भी कोई फैसला करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऐसे करप्ट अवामल शामिल होते हैं, इंटरेस्ट नजर आ रहा होता है कि आप इसमें से कोई पाकिस्तानी फ्रॉड कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका मार रहा है। पहला उनका डिसीजन, उनकी मुतालबा यही था कि चाइनीज को रोका जाए, दूसरा मुतालबा उनका यह था हमें साफ पानी दिया जाए, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन उनका हक बनता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको साफ पानी दिया जाए, तीसरा मुतालबा है कि हर रोज 5 दफा चेक ना किया जाए, चौथा मुतालबा उनका यह था कि हमें ईरान के साथ हमें तिजारत का राइट दिया जाए। अगर आप उनको मार्केट प्रोवाइड नहीं कर सकते मार्केट प्लेस, आप अगर उनको ऐसी जगह नहीं प्रोवाइड कर सकते जहां वो प्रोडक्ट अपनी बेचें या प्रोडक्ट खरीदें, तो फिर ईरान के साथ क्यों नहीं उनको डील करने देते भैया, क्यों रोकते हैं आप, जब आप खुद अपनी उनको एक ह्यूमन राइट्स और उनकी जो बेसिक जरूरियात है अगर प्रोवाइड करने की सलाहियत नहीं रखते तो फिर उनको करने दें डील, ईरान से आने जाने दें उनको चीजें, क्यों रोकते हैं उनको। मैं ये समझता हूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजू इस वक्त बलोचिस्तान या ग्वादर की बात करना जो हो वो तो इस तरह से किसी को गाली निकालना पाकिस्तान में, आप तो किसी से बात कर ही नहीं सकते, आपने इतना उस मैटर को इतना छुपा दिया है, किसी आपके इस वक्त चैनल उसको बिल्कुल कवर नहीं कर रहे थे। मैंने अगले दिन एक रिपोर्ट देखी जिसमें किसी ने ड्रोन से बताया तो लोग ठाठे मार था, समुद्र था लोगों का, और मैं हैरान था कि बच्चे और औरतें भी सड़क पर निकल आ रही है बेचारे बिलबला रहे और आप उनको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। आप वजीराबाद में घुटने डाल देते हैं, फॉरन टेक के देते हैं वजीराबाद में एक हफ्ते के अंदर अंदर, और वो लोग महीने से वहां बैठे हैं उनके साथ बात नहीं कर रहे। और मैं सबसे बड़ी बात मुझे ये जो तकलीफ देती कि ये उनको कहते हैं कि हम आपके मुतालबात मांगते हैं, वो कहते हैं कुछ करके दिखाओ, उन्हें एतबार ही नहीं इन पे। तो सर कैसे करेंगे सर, ये तो हमेशा से बलूचिस्तान के साथ यही करते आए हैं, कब इन्होंने इवन आपका जो मेन चैनल्स हैं टीवी चैनल्स हैं उन्होंने कब ये न्यूज देते हैं, वो बलूचिस्तान की कभी नहीं देते, मिसिंग पर्सन की कोई बात नहीं होती है, हजारा के लोग वहां पे बैठे रहे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ब्लैकमेल का वर्ड यूज किया उन्होंने हजारा के लोगों के लिए, तो इस तरह से जब सूरत हाल होगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे। आरजू मैं वो ये कहते हैं मेरे जख्मों पे आप नमक छेड़ रहे हैं, मैं तो खुद यहाँ पहले हर वक्त खून के आंसू होता रहता हूँ अपने मादर मिल्लत के हालात देख देख के सारा दिन यही जब खबरें, कभी आज तक 36 साल हो गए मुझे आज तक कोई अच्छी खबर नजर नहीं आई, ये पहली दफा तब्दीली सरकार के ख्वाब देखे थे, लेकिन इन्होंने जो हालत की है वो मैं समझता हूँ, और जिस तरह जावेद चौधरी साहब ने फरमाया कि लोग अब कंपेयर कर रहे हैं कि करप्शन बेहतर थी या बेवकूफी बेहतर है, मेरे ख्याल में ये आजकल के हालात मैं बेवकूफी और करप्शन दोनों को कटा कर देता हूँ। वो पिछली गवर्नमेंट होती थी, पिछले लोग होते थे, वो करप्शन करके लंदन जाते थे, इतने एक खिड़की खोल के चले जाते थे, अब तो ऐसे ऐसे MNA उन्हें पता है, मैं अगले दिन किसी से मजाक कर रहा था, ऐसे ऐसे MNA उनको अपने मोहल्ले का किरानेदार उधार नहीं देता, वो MNA बन चुके हैं और उन्हें पता वापस नहीं आना, उन्होंने अरबों के टीके लगाए हैं। आप देखें ना, आप देखें रिंग रोड को किस तरह बनाया, लाहौर वाली रिंग रोड को और इस्लामाबाद की रिंग रोड, सारी दुनिया को पता है इन्होंने वहां पे क्या क्या किया। उसके बाद देखें हबीब बैंक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो पोस्टल सर्विस, उसके बारे में कोई किसी ने बात नहीं। मेरा मैं कहते आरजू मुझे अगले दिन एक बंदे बल्कि एक इंटरनेशनल मीडिया पे मैं बैठा था, मुझे उन्होंने पूछा यार कि पिछले तीन इस पीरियड में इमरान खान साहब क्यों एक बात बताओ जो उन्होंने अचीव की हो, कोई एक चीज ऐसी हो जो पिछले सालों में कुछ बेहतर, मेरे जेब में नहीं आ सकी एक चीज भी, मैं आई कुड नॉट आइडेंटिफाई कि उन्होंने कोई ऐसी चीज की हो जिससे मुल्क तरक्की की साइड पर चला हो या हमें कोई रिलीफ नजर आ रहा हो। आज बल्कि आपका ट्रेंड बताता हूँ आपको, सबसे आपके लाहौर में फाग के हालात इतने खराब है इस वक्त, जब उनके माहौलियात के मिनिस्टर से पूछा तो उसने वही माहौलियात का बंदा था जो जाके स्कॉटलैंड बच्चों को लेकर घूमता रहा, उसी बंदे से किसी ने पूछा आपके किसी टीवी चैनल पे कि जी आप फाग के बारे में क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी फाग के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, अगर करें भी तो 20-25 साल लगेंगे। अब आपके शौकत तरीन साहब से पूछे कर्मी में, वो भी कह देते हैं जी 25-30 साल लगेंगे। मेरा भाई एक नया क्राइटेरिया है, लोगों को 20-20 साल का मेरा मतलब पीरियड बताते हैं, वो आप 20 साल आप क्या करेंगे, आप 20 साल आप 3 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर पाए,
लेकिन सर इमरान खान तो कहते हैं कि उनके सिवाय चॉइस कोई नहीं है, इमरान खान का तो ये कहना है कि उनके सिवाय चॉइस कोई दूसरी नहीं है, फिर कैसे मेरी चलेगा? इंफॉर्मेशन के हिसाब से 190 रुपए का भी कराची में डॉलर नहीं मिल रहा, 190 रुपए का भी डॉलर ब्लैक मार्केट में नहीं मिल रहा कराची में। तो इन हालात में, और कभी आपने सोचा, मैंने अगले दिन बड़ी रिसर्च इस पे की कि डॉलर जा कहां रहा है, इसमें से ज्यादा हिस्सा तो अफगानिस्तान जा रहा है और दूसरा हिस्सा आपके लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं जो जिनको सारा कुछ नजर आ रहा है, और वो महंगे से महंगा डॉलर लेके बाहर भेज रहे। तो उसमें हालात सबको पता है, खान साहब को भी पता है, अपनी तकारीर में बड़ी दफा बता चुके हैं, माफिया है ये, सट्टेबाज है डॉलरों को, ये फला है ये हर चीज का पता है इनको, इनको इश्यूज का पता है, हल नहीं पता है। लेकिन सर इसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन जिम्मेदार है? क्या वो लोग जो खान साहब को लेकर आए हैं, आप जानते हैं एस्टैब्लिशमेंट लाई है पाकिस्तान में, हर हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट लाती है। मैं उनको भी, मैं एक क्वेश्चन ये पूछूंगा, जो लोग इनको लेकर आए थे वो फ्रेंच है, वो भी पाकिस्तानी, बिल्कुल जो भी डिसीजन करता है तो पाकिस्तानी ना, नहीं तो सर डिसीजन तो करते हैं, लेकिन सर जब हम करप्ट पकड़ते हैं, सर जब हम करप्शन पकड़ते हैं तो हम सिर्फ पॉलिटिशियन को क्यों पकड़ते हैं, हम उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते, हम फौज के लोगों को क्यों नहीं कहते, हम एस्टैब्लिशमेंट को क्यों नहीं कहते? आप हर एक को देख लेंगे, हर एक को देख, आप, मैं हैरान हो गया हूँ, मैं एक थोड़ी सी मिसाल देना चाहूंगा, राणा शमीम साहब किस तरीके से चीफ जज बने बिल्तिस्तान, मैं हैरान हो गया था उनकी अपॉइंटमेंट देखे ना, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट देखे आप, अपनी अपनी सियासी पार्टियां उनको अपॉइंट करती हैं अपने मर्जी के फायदे लेने के लिए। इसी तरीके से आप हर जगह पे, आपके मेरा, आपके हर डिसीजन के पीछे करप्शन आपका एक एलिमेंट है। लेकिन मैं सबसे आपसे ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, जो भी ये कर रहे हैं तो सारे पाकिस्तानी ना है, भी सभी मुसलमान भी है पाकिस्तानी भी है, लेकिन किसी के अंदर कौमियत नहीं है, किसी के अंदर पाकिस्तान के लिए दर्द मौजूद नहीं है, ये मेरा भी है। तो सर कोई ऐसी गवर्नमेंट आपको लगता है कि कभी आएगी जो सिर्फ 5 साल, चाहे सही लेकिन 5 साल सिर्फ पाकिस्तान को दे और पाकिस्तान की एजुकेशन पे और इकोनॉमी पे, ये दो चीजों पे काम करे? क्योंकि कंपेयर तो हम बहुत करते हैं अपने आप को, कभी बांग्लादेश से, कभी भारत से, कभी यूरोप से खान साहब, लेकिन हम हैं कहीं भी नहीं। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आज सपूत ढाका 14 दिसंबर आज दिन है आपसे, वो तो जश्न आजादी मना रहे हैं, उन्होंने शुगर की आपसे जान छूटी है क्योंकि वो तो तरक्की कर गए आपसे, उनकी महंगाई की शरह देख ले, उनकी एक्सपोर्ट देख ले, उनकी आपके अंदर सिर्फ इंपोर्ट हो रही है इस वक्त, प्राडो हो रही है, ऑडिया, बीएमडब्ल्यू और आईफोन हो रहा है, वो सिर्फ वो जो आपके गैंगस्टर जितने आपके हैं माफियाज वाले, उनके बच्चे हर साल मॉडल चेंज करते हैं, मिडिल क्लास आपकी खत्म हो चुकी है बिल्कुल, वो सारे फकीर हो चुके हैं, मिडिल क्लास वाले गरीब नहीं फकीर हो चुके, वो दो दफा का खाना नहीं खाते, एक दफा का खा रहे। आप जरा सोचें, किसी दिन मैं चाहूंगा आरजू आपके प्रोग्राम पे 1947 से लेके आज तक का, मैं 30 मिनट में मैं कोशिश करूंगा उसको फिल करूं, आप मुझे हमेशा याद रखें, कौमों के मुस्तकबिल तब होते हैं अगर माजी में कुछ हो। लेकिन सर हम माजी से सीखते भी तो नहीं है ना, माजी से सीखते नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है एग्जैक्टली इसके फाउंडर सिकंदर मिर्जा अय्यूब खान, जो कुछ हो रहा है इसकी फाउंडेशन उन्होंने ऐसी भर दी है, उन्होंने पूरे कंट्री को बैरिया टाउन बना दिया, पूरे कंट्री इस वक्त डीएचए और डिफेंस और बैरिया के अलावा कुछ भी नहीं, जहां से आप पकड़ ले, इसके फाउंडर थे सिकंदर मिर्जा और उसके बाद थे हमारे अय्यूब खान साहब, और उन्होंने जो इसकी फाउंडेशन रखी है उसी के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर दे जिसके इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर, वरना वो कहते हैं आपकी गलती गुजारिश नहीं था। अगर आप बाहर से लेके जाएंगे, लोग हमेशा आप लेके जा रहे हैं बाहर से, आप बाहर से लोग यहाँ लेकर जाते हैं, आपके सबके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके सबके अकाउंट यहाँ हैं, आपकी प्रॉपर्टियां यहाँ हैं, जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे आप नहीं बच सकेंगे। लेकिन कैसे छोड़ेंगे सर, जो लेकर आते हैं, जिसको लेकर आते हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज भी बाहर होती हैं, बच्चे भी बाहर होते हैं, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो। इमरान खान के बच्चे कौन से मियांवाली में पढ़ रहे हैं, वो भी तो बाहर ही है। वो देखे ना दुनिया के लिए, वो कभी दिखा देते हैं मैं ऑक्सफोर्ड, मैं जी ऑक्सफोर्ड वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, फिर कभी कह देते हैं जी कि हम मदीने की रियासत बनानी, कभी टीएलपी के पास। मैं थोड़ा सा एक लास्ट आपको ये बताना चाहूंगा, जरा पोजीशन अपनी देखें करंट एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप ये ट्रंप साहब से मिलकर गए तो इन्होंने कहा कि मुझे जश्न मनाए पाकिस्तान में जाके, मुझे इस तरह लग रहा है जिस तरह मैं क्रिकेट
जो है वर्ल्ड वर्ल्ड कप लेकर आया, जश्न मनाएगा। उसके बाद ये इन्होंने मलेशिया के मलेशिया तुर्की तुर्की मलेशिया और पाकिस्तान का एक बनाने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया ने आंखें निकाली पीछे हट गए। उसके बाद आप ये देखें कि आज वही जो लोग अमेरिका के साथ डेफिनेटली नॉट, आज उनके उनकी डेमोक्रेसी समिट में भी नहीं आ रहे। उसके बाद आप, मेरा मकसद है आपके सारे इस वक्त सी पैक बंद है, उनको आप पे एतबार नहीं, वो आपको पैसे, आपने उनसे कहा कि मुझे हमें डेट रिलीफ के लिए कुछ पैसे दे, वो बल्कि आपसे 39 मिलियन मांग रहे हैं दासू डैम के जो अपने लोग मरे उनकी वजह से। तो आपने ना सिर्फ एक, देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, सऊदी अरेबिया के लोगों को पता है जिस तरह के लोग हैं उनको किस तरह डील करना है, ईरान के बारे में लोगों को पता है किस तरह डील करना है, तुर्की के बारे में लोगों को पता है उनका माइंड सेट क्या है। आप रोजाना डेली बेसिस पे अपनी अपने आइडियाज चेंज करते हैं, आप डेली बेसिस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करते हैं। आपने ना सिर्फ अपने आप को आइसोलेट कर दिया है, दुनिया को सिग्नल दिया है कि हम वी आर डबल माइंडेड, वी आर डबल गेम प्लेयर। इस वक्त दुनिया को, इस वक्त दुनिया को आप पे बिल्कुल कोई एतमाद नहीं है, बिल्कुल। आपने ये बता दिया है कि हमारी कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वी आर डबल प्लेयर, हमें जहां से डॉलर मिलता है वहां चले जाते हैं। दिस इज व्हाट द इमेज इन वॉशिंगटन डीसी अबाउट पाकिस्तान। अब इसको किसने करना, किसी पाकिस्तानी नहीं करना है ना। लेकिन सर अगर सब लोग किसी ना किसी पार्टी से आए, आप खुद भी कह रहे हैं सब जानते हैं कि सब पुराने चेहरे हैं, खासतौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये तब भी इनको कुछ मुल्क चलाना नहीं आया इन लोगों को? इनकी हालत तो वही तालिबान जैसी है, तालिबान को और इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मुल्क कैसे चलाना है। चलाना का इन्हें सभी सभी पता है, इनको सब चलाना चाहते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट हो, आप बात कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब की, उन्हें यही, वो उनका, उनकी पहली, मैंने आपको बताया था एक दफा, पहली प्रायोरिटी चीफ मिनिस्टर बनने की, फिर वो माइनस इमरान खान माइनस वन फार्मूले का हिस्सा है वो, उनका फॉरेन पॉलिसी पे इंटरेस्ट कम है, लोकल पॉलिटिक्स पे ज्यादा है। उससे ऊपर आपने ये किया कि मोहित यूसुफ साहब को ले गए, अब इन दोनों में टसल चल रही है, इस दोनों को पता नहीं है इनमें से फॉरेन मिनिस्टर कौन है, दोनों को नहीं पता। तो आपकी हर चीज में कंफ्यूजन है ना, आपकी एक चीज नहीं, वो कहते हैं ना तेरी कौन सी कल सीधी। इस वक्त मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट गवर्नेंस कहां है, मुझे तो गवर्नमेंट नजर नहीं आती। देखिए जी, आप मुझे छोटी सी, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब और आपके शौकत तरीन साहब कहते हैं महंगाई कहां है, महंगाई किसको कहते हैं? तो यार अपने माली से पूछो, अपने ड्राइवर से पूछो, अपने चौकीदार से पूछो, उसका महीने का बजट क्या है। आप छोड़ो, आप हजरत उमर की मिसालें देते, वो तो रात को छुप के जाते थे, आप दिन दिहाड़े में बाहर निकल के सड़क पे किसी बंदे को, मैं कहता हूं जाते मोटरसाइकिल पे रोक लो, किसी साइकिल पे जाते लोगों को बंदे पूछो यार कि तुम्हारे तुम्हारे हालात क्या चल रहे हैं। आप छोड़े रिपोर्टों को, सर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं यहाँ पे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मुझसे पूछे आप, मुझसे आटे आटे पानी का मुझसे रेट पूछना, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे दुख है, मेरी मादरे मिल्लत है पाकिस्तान। जब आप किसी की मादरे मिल्लत को 73 साल से रगड़ा दोगे, उसको दुख नहीं होगा? देखिए ना, मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या है, मैं तो 36 साल से यहां रह रहा हूं, लेकिन दुख तकलीफ होती क्योंकि उसकी वजह यह है मेरे आसपास जो है वो सारे लोग हमसे ज्यादा पैसा लेके फिर रहे हैं, जो पाकिस्तानी आपके करप्ट लोगों के बच्चे हैं ना, वो यहाँ पर जिस तरीके से ललित तरह देखते, मैं कई दफा, आप मुझे दिल करता है मेरा, मैं लिस्टें बना के मैं उनकी भेजू के किस किस के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। सर होना सर, अब ये चीज छुप नहीं सकती, अब वो जमाना नहीं है कि ये इन सब बातों को छुपा पाए, लोगों को काफी समझ आ गई है। उसमें आरजू, इसमें भी ये कामयाब है। इस वक्त आपके पाकिस्तान में 24 करोड़ लोगों के हाथों में कंप्यूटर है, जो आईफोन है, जो स्मार्टफोन है, लेकिन आपने उनको मार मार के ना उनको, आपने उनकी सोचने की सलाहियत जो है वो खत्म कर दी, वो अम्यून हो चुके हैं बेचारे। जिस तरह कहते हैं ना, वो सुबह की खाते हैं, पहले शाम की बात होती थी, अब तो सुबह की खाते हैं दोपहर की फिक्र पड़ जाती है महंगाई के हालात में। ये कहते हैं 11% है, मैंने अगले दिन खुद आपके रिसर्च की है, 18% ज्यादा आपकी महंगाई, और खान साहब ने बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि वी आर द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और बिल्कुल, और खान साहब तो सर ये भी कहते हैं, खान साहब तो ये भी कहते, बल्कि उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा कि जी लंदन में महंगाई ज्यादा है, अली जैदी वो भी ये कह चुके हैं, और खान साहब कहते हैं मैं ऑफिस जाता हूं तो मैं जहाज पे जा रहा होता हूं। देखिए ये बाहर से गए लोग हैं, मैंने आपको बताया आपके आपकी कैबिनेट के ज्यादा लोगों की आमदन डॉलरों में है, उनकी रुपयों में नहीं। बजट बनाने वालों की भी आमदन जो है, सोर्स ऑफ इनकम, 18 डॉलर्स, उनको कम महंगाई कहां नजर आएगी।
जो 5-5 करोड़ गाड़ियां 6-6 लेके निकलते हैं, उनको महंगाई कहां नजर आएगी? महंगाई तो नजर मेरे एक मिनट के लिए जरा सोचे जिसकी 20,000 तनख्वाह है। मैं अभी आज तक जब मैं पाकिस्तान गया हूं, जो बंदा भी मेरा ड्राइवर हुआ आज तक मेरे नंबर पर है, मुझे पता है, मैं फोन करके उनके बच्चों की कफालत भी करता हूँ, देखता भी उनके क्या हालात। मैं अगर कहते हैं तो मैं किसी दिन बनाकर खान साहब को बताता हूँ कि 20,000 में जो बंदा 20,000 जिसकी तनख्वाह है वो किस तरह गुजराएगा। चीखे निकलते सर, 1,00,000 वालों की चीखे निकली है, 20,000 वालों की तो क्या हाल होगा। 1,00,000 में गुजारा नहीं होता तो लोगों का, हाउस रेंट और जो यूटिलिटी बिल्स और सब कुछ है। अकॉर्डिंग टू द वजीउद्दीन 25,00,000 में तो खान साहब का 30,00,000 में गुजारा नहीं हो रहा था। उन्होंने खुद रिक्वेस्ट करके जहांगीर तरीन साहब से कहा था यार इसको 50,00,000 महीने का कर दो, तो खान साहब खुद 50,00,000 महीना उनका बजट है, तो खान साहब को महंगाई कहां नजर आएगी? दो बंदे वो भी खान साहब के बच्चे वैसे लंदन में अपनी मां से पल रहे हैं ना, तो खान साहब के घर में दो मियां बीवी हैं, उनका 50,00,000 में गुजारा नहीं है अकॉर्डिंग टू द जस्टिस साहब। बिल्कुल, अब देखें सर क्या होता है इस मिनी बजट के आने के बाद, क्या हालात होते हैं, हम आपसे फिर बात करेंगे। बजट तो आरजू बजट ये जो है ये सिर्फ IMF को दिखाने के लिए, ये उन्होंने 17% जो सेल टैक्स था, मैंने शौकत तरीन साहब की बिल्कुल सुनी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा, उन्होंने ये IMF वालों ने कहा ये क्या मजाक बना रखा है, मुख्तलिफ किस्म का सेल्स टैक्स है, इनको यूनिफॉर्म करो, ये 6 अरब रुपए का जो ये पैसे दिखाने, ये एक ना उन्होंने पेपर पे बता के क्या मिनी बजट दे रहे। बजट तो आपका हर हफ्ते होता है, जब भी तेल महंगा होता है पेट्रोल, जब भी आपकी बिजली महंगी होती है जो कर रहे हैं इसमें और आगे भी करते रहेंगे ये, और उसके बाद आपका जब भी पेट्रोल और आपकी बिजली और आपकी ये चीजें महंगी होती करते हैं, आपका बजट आपका बिल्कुल इनबैलेंस हो जाता है और इन्फ्लेशन फौरन ऊपर आ जाता है। तो ये एक मजाक है, ये गोरख धंधे से अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो बजट मिनी दे रहे हैं सिर्फ सैटिस्फाई करेंगे। अब मैंने इसको बड़े डिटेल से पढ़ा कि ये गाड़ियां जो आ रही हैं लग्जरी गाड़ियों पे टैक्स लगाएंगे, कुछ बंद कर रहे हैं उनको लाना जलाना, ये सिर्फ लल्ले तल्ले दिखाएंगे IMF वालों को, वहां से पैसे लेंगे, जाएंगे नहीं पैसे पाकिस्तान, वो पैसे ये जब भी पैसे इनको मिलते हैं दुबई की प्रॉपर्टियां महंगी हो जाती है, लंदन महंगे हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसा तो पाकिस्तान जाते ही नहीं है, वो तो यही अकाउंटों में वापस आ जाता है, यही तो लॉटरी निकली है, इनको पैसे देते हैं इधर से अलॉट के लॉयड और लॉयड लंदन चले जाते हैं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है सदियों से हमसे पैसे भेज रहे हैं 73 साल से, वो पाकिस्तान थोड़ी जाते हैं, हम जो डॉलर भेजते हैं वो तो इनके बच्चों की ट्यूशन फीस से जाती है, हम जो डॉलर पाकिस्तान में भेजते हैं इनके तो लंदन तो भाई की प्रॉपर्टियां बनती, वो पाकिस्तान में हॉस्पिटल स्कूल थोड़ी बन रहे हैं उनके, ये तो एक ट्रेजेडी है, ये तो मैं आपको आपको पाकिस्तान को पाकिस्तानी और मुसलमान लीडर चाहिए, ये आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आधा पैसा भी ये मुल्क पे लगाते तो मुल्क का ये हाल ना होता, कुछ ना कुछ तो बन ही गया होता।